अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? हम आपके नए किराएदार हैं। जी जी, आंटी ने बताया था। मशाल, मैं पागल हो जाऊंगा इन मजदूरों के साथ यार। इनको कुछ समझ नहीं आ रही क्या चीज कहां रखनी है यार। तुम भी गाइड नहीं कर रही हो, और आप लोग यहाँ सुकून से चाय पी रही है यार, वो भी अकेले अकेले। बंदा चाय पूछ लेता है। जुनैद, आप प्लीज आए ना, बैठे, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। नो 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 नो, थैंक यू सो मच। प्लीज इनकी बातों पे ध्यान नहीं दें, ये ऐसे ही हैं, ये कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देते हैं। सॉरी। और अभी तुम्हें कोई चाय वाय नहीं मिलेगी, पहले सारा सामान प्रॉपरली शिफ्ट करवाओ, सारी सेटिंग करवाओ, फिर चाय वाय देखेंगे। तो मैडम, इसीलिए तो आया हूँ आपके पास कि आप गाइड कर देंगे प्रॉपरली कौन सा सामान किस कमरे में जाएगा। अपनी मर्जी से कुछ रख दिया, फिर आप मुझ पे चीखेंगी कि ये यहाँ क्यों रख दी। जुनैद, तुम मेरे बगैर हिल भी नहीं सकते ना। नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ, मैं अभी आई हूँ, इनसे मिली हूँ, तुम जाओ ना। तुम जाओगे क्या? मतलब सारा काम मैं कर रहा हूँ। चलो, तुम साथ चल रही हो। चलो चलो जुनैद, चलो चलो, मैं गिर जाऊंगी। तुम गाइड करोगी उनको जाके? यार तो तुम कर दो ना गाइड, कौन सी बड़ी बात हो गई। मुझे नहीं पता ना क्या सामान कहाँ जाएगा यार। मेरा नहीं पता तुम्हें? यार ये थोड़े अजीब नहीं है इसरा? इसे अजीब नहीं, जिंदा दिल कहते हैं। और हम ख्याल भी लग रहे हैं। तुमने देखा नहीं वो उसे कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, और वो माने भी जा रहा है। यार इसरा, दुआ करना कि मेरे और अहमद की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल ऐसी हो। ऐसी ही क्यों? इंशाल्लाह। तुम देखना, तुम्हारी और अहमद भाई की अंडरस्टैंडिंग तो इससे भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। वैसे इसरा, तुम्हारे और भाई की भी तो लव मैरिज है, फिर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकी? हाँ, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती ना, और हो सकता है मैं उनके मिजाज पे पूरी नहीं उतर पा रही। ओ प्लीज, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकती हो तुम भाई के लिए? तुमने हर तरह से कोशिश की है भाई के मिजाज में ढलने के लिए। अब भाई है कि वो तुम्हें दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। घर बसाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा दिल कहता है जिस तरह मैं आज सुल्तान की बात मानती हूँ ना, उनका ख्याल रखती हूँ, एक दिन आएगा वो भी इसी तरह मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी बात मानेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर होगा ऐसा। और अगर तुम कहती हो तो अम्मी से एक दफा फिर बात करती हूँ कि वो भाई को समझाएं। क्या पता अम्मी के समझाने से उनके मिजाज में कोई तो तब्दीली आएगी। नहीं नहीं प्लीज, आंटी से कुछ मत कहना, सुल्तान बहुत गुस्सा करेंगे और उन्हें लगेगा जैसे उनके लिए मैंने तुम्हारे कान भरे हैं। कह तो ठीक रही हो, चलो नहीं करूंगी बात, लेकिन तुम्हारे लिए दिल से दुआ जरूर करूंगी कि तुम भाई का दिल जीत लो। I hope so. भाई मुझसे तो रहा ही नहीं गया, जैसे ही खबर मिली पाकिस्तान पहुंचती सीधा तुम लोगों के पास आई हूँ। आखिर दो दो मुबारकबादें ड्यू थी ना, बल आखिर तुम अपनी दोनों जिम्मेदारियों से आजाद हो ही गई। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपा। बिस्किट भी नहीं। अरे ना खाला, प्लीज तकल्लुफ मत करें। तलत, बहुत मजेदार चाय बनाई, आखिर तुम्हें चाय बनाने आई गई ना। अब ऐसी बात भी नहीं आपा, वैसे ये चाय असरा ने बनाई है। आपको पता है मेहमानों की सारी रिफ्रेशमेंट की जिम्मेदारी असरा की है। वाह सुल्तान, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, इतनी काबिल लड़की जो मिली है तुम्हें। गलत कह रही हैं आप खाला, लॉटरी मेरी नहीं असरा की निकली है। इसे मैं जो मिल गया है ना, घर की सेटिंग चेंज की है थोड़ी है ना। और ये पेंटिंग, ये किसने बनाई है? और क्या क्या शौक पालोगे, कहां कहां अपने नाम के झंडे लगाओगे? मुझे ऐसे फजूल शौक नहीं है, मैंने नहीं बनाई। नहीं खाला, ये पेंटिंग असरा ने बनाई है। वाह भाई, कमाल कर दिया तुमने तो। इसमें क्या कमाल बात है, एक कैनवस लो, तीन चार कलर्स लो और बना दो ऐसी पेंटिंग, क्या बड़ी बात। अब ऐसी भी बात नहीं है, इतना भी आसान नहीं था ये पेंटिंग बनाना, देखें तो सही, एक मुकम्मल तस्वीर है। वेरी नाइस एस्ट्रा, तुम्हें अच्छी लग रही है तुम ही देखो, मुझे तो ऐसी फजूल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर का ख्याल रखना अच्छी बात है बेटे, लेकिन अपना भी ख्याल रखो साथ में। सुल्तान को देखो, इसने कैसे संभाला हुआ खुद को। जो बच्चियां अपना ख्याल नहीं रखती वो बहुत जल्द शौहरों से बड़ी लगने लगती हैं। भाई मुझे तो लगता है कि असरा वाकई मुझसे बड़ी ही है,
देख लिया अच्छा, खाला दबे दबे अल्फाजों में क्या कह रही है, तुम मुझसे बड़ी लगती हो। कहां से बड़ी है वो, आपसे पूरे 7 साल छोटी है अश्रा भाई। लो ये तो और भी नेगेटिव बात है, 7 साल छोटी हो लेकिन फिर भी 7 साल बड़ी लगती हो मुझसे। अरे इतनी बड़ी भी नहीं लगती बेचारी, मैं तो इसलिए समझा रही थी कि जरा सच संवर के रहो, नई नवेली दुल्हन तो लगो। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत समझा के देख लिया। एक्चुअली इसका फैशन सेंस बहुत पुअर है, जब एफर्ट करती है तो और ओवर लगती है, इसलिए मैंने कहा कि बस जो है बस ठीक है। और सुनाओ क्या क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी। अरे छोड़े आप इसको, आप अपना बताइए। खालू कैसे, अमेरिका में बिजनेस कैसा जा रहा है? अरे क्या हुआ भाई, कौन सा राउंड है? फर्स्ट राउंड में ही हाल है मेरा, फिफ्थ ब्रो। अपना स्टैमिना बनाओ यार, फिटनेस इज ऑल अबाउट स्टैमिना। तुम्हें पता है मैं जिंदगी में आज तक कभी भी कोई रेस नहीं हारा। तो मैं देख के लगता है कि क्या जबरदस्त फिटनेस है और सुपर डेडिकेशन ब्रो, सुपर। चलो 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 कंटिन्यू कंटिन्यू, चलो चल। बाय द वे तुम क्यों इतनी बटरिंग कर रहे हो? इतना तारीफ सुनकर खुश है तो कर देते, तो इतना डोज क्यों बढ़ा रहे हो उसका? ये उसकी तारीफ सुनके तुम क्यों जल रही हो? ओ हेलो, जली ना मेरी ये वाली जूती। इट्स नॉट अ जूती, इट्स अ ट्रेनर। क्या हुआ गाइस? हां एनीथिंग फनी? नहीं एक्चुअली तो ये मुझे ताने दे रही है तुम्हारी फिटनेस का, कह के कि मेरी फिटनेस तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। सुपर, हो जाएगी हो जाएगी, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। बहुत खुश फैमिली हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। चलो